गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्लान बहुत सारे थे पर प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए हमारे को कितने बज गए? बस कुछ ऐसा करके तीन बज गए जी हमारे को। तो प्लान को हमने थोड़ा शिफ्ट कर लिया, मॉडिफाइड कर लिया। तो हम जा रहे हैं सीधा डल लेक पे। वैसे हमारे को वो फेरन भी खरीदना था पर वो हमने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया क्योंकि फेरन जरूरी है। शाम को ले लेंगे, आज शाम को जाना ना हमारे को, लाल चौक भी जाना है ना। तो पहले डल लेक के मजे लेने और ट्राई कर रहे हैं कि हम जब वो शिकारा पे जाए तो सनसेट मिल जाए। बस यही है हमारा मूड, तो इसीलिए आपसे अभी निकलते हुए पूछ लेते हैं। वैसे शिकारा पे पूछेंगे आज, इसलिए डल लेक जा रहे हैं। डल लेक पे शिकारा पे फिर पूछेंगे आपसे कितना, ठीक है? तब तक इंतजार करो। राज छुपाए नहीं छुपता हमसे, सत्य है ना, हम सत्य ही बोल जाते हैं। बस यही है। आप ठीक हो? मैं बिल्कुल फिट हूँ। बिल्कुल। इनको हम आगे के प्लान के लिए कन्विंस कर रहे हैं, बीच में एक दिन छुट्टी मारने की कोशिश कर रहे थे। पर दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। पर सही है, कहाँ पर? डल लेक। शिकारा देख रहे हो हमारे पीछे, मतलब हमारा दिल खुश हो गया शिकारा पे पहुंच के। तो हम डल लेक पे पहुंच गए। पुरानी यादें, पुराने वक्त को याद करते हो। तो हमने पहले सोचा था कि सनसेट शिकारा पर देखेंगे, पर ये जो बादल है ना, ये बादल क्या दे रहे हैं हमारे को? डर। डर, डर दे रहे हैं। ये ऐसा ना हो कि हम डर के चक्कर में अंदर बाद में जाएं और रात हो जाए एकदम से, और हम आपको के साथ लाइट ही सेट हो जाए, हम भी सेट हो जाएं, सन भी सेट हो जाए, सब सेट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम पहले जा रहे हैं शिकारा राइड करने, उसके बाद आगे का प्लान करेंगे। चलो भाई। चलो जी। कितना नंबर है हमारी? सेंटर। चलो दोस्तों चलो। ओहो, हमने आपसे वादा किया था और वादे पे हम खरे उतरेंगे। वादा ये था कि हम डल लेक में शिकारा के अंदर बैठ के आपसे पूछेंगे कि कितना सारे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकते। मतलब बस एक ही चीज की गड़बड़ है कि हम पानी में हाथ नहीं मार सकते। हाथी तो हाथ ठंडा, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा, बहुत ठंडा। अगर आपको फीलिंग लेनी तो मैं डाल के दिखा सकता हूं। तेरे लिए हम हैं जिए, तभी तो पंगा नहीं लेने का, पहले जेब में हाथ डाल के रखने का। तो अभी क्या है कि अभी हम मजे लेंगे, थोड़ा सा वादियों का पहले फील कर ले, फिर उसके बाद आपसे बात कर ले। तब तक आप यहाँ के नजारे देखो। मैं सही बता रहा हूँ कि हम जैसे जैसे अंदर पहुँचते जा रहे हैं थोड़ी ठंड बढ़ रही है। और हम क्या भाई साहब, फ्रूट चाट खाना? हेलो, ये देखो। अरे क्या बात है, दर्द की दवा भी यही है, दर्द भी यही है तो दवा भी यही है। वेलकम टू कश्मीर। क्या बात, वेलकम है जी, वेलकम। आई एम सेलिंग फ्रूट चाट। क्या ऑल फ्रूट्स मिक्स, इसमें आ जाएगा ग्रेप्स, आ जाएगा ड्रैगन फ्रूट, आ जाएगा स्ट्रॉबेरी फ्रूट, आ जाएगा पाइनएप्पल, आ जाएगा। मैं एक बात जानता हूँ कि जो सस्ते वाले फ्रूट हैं वो आप ज्यादा डालते हो, जो अच्छा फ्रूट होता है वो डालते नहीं हो। ऊपर अच्छे वाले फ्रूट अच्छे के लिए हम कम डालते। कश्मीर बोला, देखो आप, अच्छा वाला फ्रूट हम अच्छों के लिए कम डालते। हाँ, तो भाई हमारे को अच्छा अच्छा फ्रूट चाहिए। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हमने बहुत खाया है, अब आप बताओ हमारे को। ये सब जन्नत से आए फल? नहीं नहीं, हम खुद जन्नत में आए हैं, हमारे से ज्यादा जन्नत। इसमें सब अच्छे हैं। हम जन्नत तो नहीं पहुंच जाएंगे। हाँ, तो इंसान इनका बोल रहे ये बुरा है या क्या है? ये सब जन्नत से आया, जन्नत का फल। तो जो आप नाम देखो, आपका फेवरेट कौन सा है जो आप सबसे ज्यादा डालते हो? मैं सब कुछ खाता हूँ, इसलिए मैं फ्रूट चाट बेच रहा हूँ मिक्स, क्योंकि मुझे भी सब पसंद है। बताओ हमारे को कौन सा डालोगे ज्यादा? ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट डालेंगे। तरबूज वरबूज कर देते हैं जो, जैसे नकली नकली जो हमारा खाने का, जो आप बोलोगे नहीं डालना है नहीं डालेंगे। ओके, जो आप बोलोगे ज्यादा डालना वो डालेंगे। बना दो यार, तुम दिल से बना, दिल से बना दो बस। सर जी आपका शाही फ्रूट चाट, शाही फ्रूट चाट। ये देखिए इन्होंने क्या क्या ज्यादा डाला है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हम इनका क्रैक ढूंढ चुके हैं, तो हम फ्रूट चाट खाएंगे। तारे सितारे सब आए हैं देखो। अरे अपना फेवरेट ड्रैगन फ्रूट है तो पहले ड्रैगन फ्रूट है। ये देखो मसालाकर और भी डालना होगा तो मुझे पता ना। बहुत डाल दिया भाई जी, शुक्रिया। अभी हम जा रहे हैं जी शिकारा का रिस्क वाला पोर्शन पे,
जहाँ पर आराम से जाना। अगर कोई भी हमारे शॉट को ऐसे क्रेजी शूट करना चाहता तो हम धीरे धीरे बैठ के जाएंगे, रिस्क नहीं लेने का, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर गए तो फिर गए, और जितना भी मोबाइल वोबाइल हो वहीं छोड़ देना। यहाँ पर बैठेंगे थोड़ा सा, फील लेंगे ब्रो। देखो फील तो यही है, क्या सही लग रहा है यार, बहुत सही एक्सपीरियंस है। अच्छा टाइम से आए हैं, अच्छी बात ये है, क्योंकि लेट आते ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता। अभी सन हमारे ऊपर लाइट मार रहा है तो उसका फील है, और फ्रूट चाट खा के भी ऐसे दिल खुश हो गया हमारा। अभी थोड़ा अंदर अंदर घूमते हैं, फोटो वोटो भी ले लेते हैं ना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे आप कहोगे कहाँ गए थे बताया नहीं हमारे को, हम तो बताते हैं, आप यकीन ही नहीं होता आपका, हम क्या करें, साड़ी गलती नहीं है कोई भी, पर हम अभी भी बता रहे हैं पानी बहुत ठंडा है, पर क्या करें, रीलों के चक्कर में पंगे लेने पड़ते हैं। ओहो बहुत ही बढ़िया, कहीं दूर निकल आए हम, सोचो के झीलों का शहर हो उसमें तेरा और मेरा एक शिकारा हो, क्योंकि शिकारा की कीमत हमारे को पता लगी कल, 7 से 8 करोड़ का है एक शिकारा, बस वही लेंगे, देन आई एम रिच। फिर आओ मेरे होटल में रुको, पैसा बहुत है, बस प्यार चाहिए, प्यार सुने कश्मीर में प्यार मिल जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट जोकिंग ब्रो, जोकिंग। ठीक है देखो नज़ारे देखो, अभी हमने तो अपने शॉट ले लिया, अभी देखो इश्क वाला लव देखना चाहते हो उधर दिखाओ, इश्क वाला लव पहले मजा आ रहा है ना, मस्त एकदम। ये बात गर्लफ्रेंड को याद कर, आवाज निकली अंदर से, कश्मीर की वादियों में आवाज आ रही है। अरे आ सूरज होया मधम मधम, एडा बनने जा रहे थे ये कि सानू पहला लगे थे सनसेट देख पावांगे नहीं देख पावांगे, पर हुण तो नजारे अड गए, मतलब असी एजे बंदे हैगे बैठ के गल कर लो, पानी पूनी चले गए, बंदे डिग जाने इधरों कटूगा कौन, थले तो मैं सुने जाले लग गए, तो हुणे की हैगा आपां सनसेट तो देखांगे देखांगे, पीछे असी पूरा इलाका खाली कर दिता, इलाका पूरा हुण साडा, आण दे नजारे देख तो सही, सूरज एडा वड्डा सूरज दिखता पिया सानू, शंकराचार्य टैंपल दे इधरले पासे, इधरले पासे हो गया, माड़ा जिहा रेट करवाया है सानू, दिखना चाहिए है भाई, यह नवें तरीके की बोट आई हैगी, इन्हें तो बोट तो कुछ लगे ही नहीं हो, परदे पुरदे लगन गए, उन्हें फुल नज़ारे नज़ारे लेके जावांगे। चलो जी अंदरले पासे, देखो जी फ्रूट चाट होगी, इंस्टाग्राम का कंटेंट हो गया, फोटो होगी, सब कुछ हो गया, अब जा रहे हैं हम अंदर मार्केट को घूमने के लिए, और कहाँ जा रहे हैं हम दूसरा, कहाँ जा रहे हैं, फ्लोटिंग मार्केट, फ्लोटिंग मार्केट। एक तो अचानक से किसी के मुंह पे कैमरा लगा देना वो आदमी का आधा तो भूल जाता है, उनकी बताई हुई आइटनरी है, उनका ही सब कुछ है, फिर भी भूल गए, कहाँ जा रहे हैं हम, फ्लोटिंग मार्केट, हम जा रहे हैं फ्लोटिंग मार्केट। सबसे खतरनाक चीज क्या है वो देखो ना, अभी सूरज और ये पहाड़ जो फील दे रहा है इसकी वजह से, क्या फील देखो ना, पानी के अंदर से आ रही है, हमारी बोट चल रही है, फील है यार, फील है जी फील है, फील है जी फील है, फील है जी फील है, हमारे में जो फील है वो आप कमेंट करके बताना। कैसे हो जी, ठीक हो, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया कश्मीर में आके, बहुत मज़ा है, मज़े हैं यार ज़िंदगी के, मज़े तो ले रहे हैं हम, कुछ तो पुण्य किया हमने ज़िंदगी में, जो ये वादियों में है, मस्त लाइफ तो यही है, लाइफ तो यही है, ट्रैवल पे आओ सब भूल जाओ, जितनी भी परेशानियाँ होती हैं हम भी भूल जाते होते हैं, सब परेशानियाँ कश्मकश जिम्मेदारियाँ सब साइड में, और ये एहसास ले जाता है तुम्हारे को, वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्लाउड 7 ऐसे कुछ तो बोलते होते हैं, क्लाउड 9 मैं क्लाउड 10 पे हूँ, क्लाउड 10 पे रहते हैं हम, 9 तक नॉर्मल लोग जाते हैं, हमारे जैसे लोग जो कुछ रह गए इस दुनिया में जो प्योर है, हम क्लाउड 10 पे हैं, हम अपना क्लाउड बनाते हैं, इसीलिए तो हम बोलते हैं ना गंगानगर के जीते हैं, खुशियों पर जीते हैं, जी रहे हैं जी, इससे अच्छा कौन जी सकता है बताओ ज़रा, थैंक यू रब्बा मेहर है तेरी, बस एवं सिर पर हाथ रखी रखी नज़ारे लवेंगे असं, थैंक यू जी, जिन्हें जिन्हें ने प्यार बनाया हुआ सानू बहुत नज़ारे आ रहे हैं, मिल के अगे बताएंगे कितने तिकन जावे, क्लाउड 10 तिकन, क्लाउड 10 तो थले अपना काम होना नहीं, क्लाउड 10 वाह भीरे थोड़ा तेज बजा और तेज।
जी फ्लोटिंग मार्केट तो हमने घूम ली, और अभी अभी हमारे को घूमते हुए पता लगा कि इसको मीना बाजार भी बोलते हैं। तो जो लोगों को पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको नहीं पता। तो यही सीन है। तो अभी हम जा रहे हैं जी कावा पीने, जो हमारे को बताया गया है कि बढ़िया कावा आपको पिलाते, तो कावा पियेंगे फिर उसके बाद बाहर निकलेंगे, यही सीन। तो अभी भी मीना बाजार में घूम रहे हैं, ऐसे अलग फीलिंग ले रहे हैं हम। पर एक चीज़ और बताऊँगा आपको, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमारे पास स्कूल बस होती है, यहाँ पर बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो अपनी अपनी ब्रो रिचनेस ओवरलोड है ब्रो, क्या बात है, ग्लैमर भी है यहाँ पर। मैं कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ ब्रो कावा पिला दो बस, कावा पियेंगे। धन्यवाद। कावा के साथ पनीर के पकोड़े, मजा आएगा, बहुत ही स्वाद है। पनीर तो एक बार में चला गया, पकवा पकवा है गया। आई लाइक इट ब्रो, एंजॉय। चीयर्स ब्रो, चीयर्स चीयर्स। कावा पे एक चीयर्स करते हैं जी हम। कावा पे चीयर्स। देख लो कावा है, मैं रोज यकीन दिलवा रहा हूँ आपको, कभी चाय है कभी कावा है, लोग यकीन नहीं करते यार। आहा मजा। देखो जी डल लेक से हम सीधा पहुंच गए हैं लाल चौक। लाल चौक, और लाल चौक पे क्या आएगा, क्या चाहिए हमको? घंटा घर। अरे घंटा घर नहीं चाहिए हमारे को, चाहिए क्या? फेरन। फेरन लाल चौक पे मिलेगा। लाल चौक पे फेरन मिलेगा, पर हम लाल चौक क्या है, डल लेक, कश्मीर, श्रीनगर, जितने भी लोग हैं, ये भी आर्टिस्टिक चीज़ है आना, और यहाँ की हिस्ट्री है माना, हर बार यहाँ पर आके आदमी फोटो जरूर खिंचाता है, हम भी खिंचाएंगे, हक बनता है। और अभी तो उस पर कलरफुल हो गया, ऐसे इंटरेस्टिंग लग रहा है, थोड़ा लाल चौक की तरफ जाते हैं और फेरन ढूंढते हैं। आइए चलिए। यहाँ का मौसम भी ठंडा है वैसे, मज़ा तो आ रहा है यहाँ पर। जाकिर भाई ये घंटाघर पहले से ही ऐसा था क्या? घंटाघर पहले से ऐसा नहीं था, इसको एक साल लगा रेनोवेट होने में। ओके। एक साल के अंदर अंदर इन्होंने पूरा ये डेकोरेट करके पूरा उतार के दोबारा से नया बनाया है। था यहीं पर लोकेशन? लोकेशन यही थी, लोकेशन यही थी, अब डेकोरेट करके चेंज करके दूसरा बनाया ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिले। okay. और एक ये टूरिज्म टूरिस्ट पॉइंट बन गया। okay. और आज आप खुद देख सकते हो कि कितने टूरिस्ट है यहाँ पे। तो एक स्पॉट बन गया ये, तो ये वॉकिंग स्ट्रीट और ये सब चीजें ऐसे बनाई बाद में जब फिर ये वॉकिंग स्ट्रीट बना पूरा, यहाँ से पूरा लोग टहलने जाते हैं शाम को, बैठने सिटिंग एरिया बनाया है यहाँ पे। क्या बात। और ये सबसे पुराना है यानी कि इधर का? ये पुराना है सबसे पुराना, मतलब बहुत बहुत पहले से, बहुत पहले, बहुत पहले से। हाँ कहीं एक एक महाटा करके एक गैलरी है, वहाँ पे पूरे कश्मीर की पुरानी तस्वीरें हैं। है हाँ महाटा करके, ठीक है। अगर आपको मौका मिले ना महाटा जाके वो पुरानी गैलरी देखने का तो देख लेना। कैफे है, वो कैफे है वहाँ पे, पूरी पूरा है वहाँ पे, तो आप जा सकते हो, पर हम थोड़ा घंटा करके एंजॉय कर लेते हैं। चलिए चलिए हाँ जाओ, वॉक करते हैं, वॉकिंग स्ट्रीट पर वॉक करेंगे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? कुकर बाजार। कुकर बाजार है हम लोग कुकर बाजार में। ओके। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर फेरन लेना है तो अच्छा लो, सस्ते वाला लेके क्या करोगे? सस्ते वाला मतलब जो काम आए बाद में, पर मैं कह रहा हूँ बॉम्बे में जाके पहनना नहीं होएगा। कह रहे चीज लो रहे हो तो अच्छी लो, अच्छी लो, अच्छी लो। हमारे को लग रहा है कि आधा बाजार तो बंद हो चुका है, तो हमारे को मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हम इतना लेट हो गए हैं। हम आपको वो डल लेक का शिकारा राइड में ज़्यादा दिखा दिया आपको, वहाँ पर वक्त लग गया। वैसे अगर कोई गर्लफ्रेंड बीवी माँ के लिए कुछ लेना चाहता तो ये बाजार में आ सकता है। सब तुझे ठीक? फेरन बने हैं इसे? कौन सी बने हैं? कमी सी? कम सी मिस? सही यालाई शो? क्रेवल बोला? हाँ ना फेरन है, फेरन यार ये मिस। ओके। क्या हमारे को भी तो बताओ। फेरन पूछ रहा था, फेरन है कि नहीं है। फिर क्या बोले? बोले हम मेरे पास नहीं है। हाँ। उसके पास मिलेगा। उसके पास तो नहीं है। देखो हमारे को लग नहीं रहा कि हमारे को फेरन मिलेगा, गड़बड़ यही हो रही है क्योंकि मार्केट सारी बंद हो चुकी है, फिर भी हम कोशिश करना नहीं छोड़ रहे हैं, कोशिश कंटिन्यू है। इधर आना जरा, बोला इन्होंने। अच्छा आदूस, हाँ ये जाना है वहाँ पे, आदूस के पास जाना है। आदूस, आदूस कहाँ है? आदूस है यहाँ से दूर है। हाँ चल के जाएंगे। चलो चलो चल के जाएंगे। हमारी मेहनत रंग लाई, फेरन मिल गया। हमारे को लेके जा रहे हैं गोदाम में। करने कर दिया मैंने उनको, पता नहीं। हाँ जी टैंक खाने में पहुंच गए, हमारे को नहीं पता कि कैसा क्या है, पर मिशन सक्सेसफुल होता हुआ नज़र आ रहा है। और कोई मेहनत हो रही है। ओके कौन सा अच्छा लग रहा है भाई? ये थोड़ा जो आपके हाथ में ये बड़ा ना। हाँ दोनों बाजू अंदर। अब ऐसे रहो, अब करो मुँह में मोए 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 मोए। ठीक है, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है।
कल इसके साथ हम कुछ ना कुछ करेंगे। लगता है गब्बर आज यहाँ पे भी आया था, दोनों बाजू ले गया। मोए मोए। ये हमारे को मोहित की तरफ से गिफ्ट है और शाकिर भाई की तरफ से गिफ्ट है। इन्होंने 1800 रुपये का 1500 रुपये में करवा दिया हमारे को। ये पहन पहन के सब फोटो लेंगे, सबका 500-500 रुपये कबूल करवाएंगे। इसका कबूल है, कबूल है। तीसरा कबूल है उससे लो, बस आपको क्या ही बताऊं। इतनी खुशी मतलब फेरन मिलने के बाद इतनी खुशी हुई कि अब ये सोचा जा रहा है कि उसको पहनना कहाँ पर है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन है सोनमर्ग जाने का कल या दूध पत्री। तो अब डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है, वो सुबह डिसाइड करेंगे, अभी डिसाइड नहीं करेंगे। दो ऑप्शन रखे गए हैं, तो फेरन दो जगह पर पहनना है। और बर्फ नहीं मिल रही उसकी वजह से तो डिसअपॉइंटेड है ही, पर कुछ नहीं कर सकते। और ये जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, 7 बज गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 बज गए हैं। ठीक है, 7 बजे थे, कल सुबह वापस 7 बजेंगे, हम फिर उठेंगे 7 बजे। जब ये बात दूध पत्री या सोनमर्ग, 7 बजना अलग बात होती है, सोनमर्ग और दूध पत्री इम्पोर्टेंट बात है। जब हम सोएंगे तो सुबह उठेंगे, फिर आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी का ब्लॉग हम यहीं ब्लॉग ख़त्म करना है। उन तुझे अपना ख्याल रखो, असी अपना ख्याल रखेंगे। चंगा फिर, गुड नाइट। 7 नहीं बजे दोस्तों, 7 नहीं बजे, गुड नाइट। रामी हो तुम सालो, रामी।